आज मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज मैं सुबह में ब्लॉग नहीं बनाई, तो मैं अभी बना रही हूँ शाम को। तो मेरे बच्चे सब दोनों स्विमिंग क्लास गए और मैं अभी अकेली हूँ घर में। तो मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज का हमारा शाम का खाना है, मैं दिखाती हूँ गाइज, तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो हेलो गाइज, आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ दाल तड़का। तो उसके लिए मैं ली हूँ चार मुट्ठी, हम लोग चार कोई है ना, तो चार मुट्ठी मैं ली हूँ तूर दाल। अब इसे हम अच्छी तरह से धो के और गैस पे चढ़ाएंगे अभी सीझने के लिए। तो बने रहे मेरे वीडियो में। तो इसके लिए मैं ली हूँ तूर दाल, एक चुटकी लूँगी मैं, एक मुट्ठी। ये है मूंग दाल। और एक मुट्ठी ये है मसूर दाल। हम इसे अच्छी तरह से पानी में धो लेंगे, दो तीन पानी में। अब इसमें हम पानी डालेंगे गाइज, जितना हमारा पानी लगेगा उतना ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए हमारा दाल, बस इतना ही पानी डालूंगी। अब इसमें हल्दी डालूंगी मैं आधा चम्मच, और एक चम्मच नमक। अब ये है मेरा पाव किलो पालक। अब इसे हम अच्छी तरह से धो लिए, अब इसे कट करके और दाल में ही डाल देंगे साथ में ही। ये बॉईल होगा मतलब सीझेगा एक ही साथ। ये देखिए गाइज, हम अच्छी तरह से इसे कट कर लिए ऐसे बारीक चाकू से। अब हम इसे दाल के कुकर के दाल में डाल दूंगी और एक ही साथ ढक्कन बंद करके तीन सीटी लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। हेलो गाइज, ये देखिए हमारा दाल और पालक अच्छी तरह से उबल गया है, मतलब सीझ गया है। और इधर मैं उसे तड़का लगाने के लिए तैयार की हूँ मसाले। ये है अदरक लहसुन और हरी मिर्च। इसका मैं इसे हम अच्छी तरह से कूट लिए हैं, ये देखिए दरदरा। और इधर एक प्याज काटी हूँ मैं छोटे छोटे कट में, और इधर दो टमाटर। इधर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब इसमें तेल डालूँगी मैं। तो हम इसमें तेल थोड़ा सा डाल रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एक चुटकी सरसों दाना डाल रहे हैं। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी। अब मैं अदरक लहसुन जो बनाई हूँ उसका पेस्ट। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये हमारा प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया, पक गया मतलब। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। हमारा टमाटर अच्छी तरह से, प्याज टमाटर और जितने भी मैं मसाले डाले थे सब पक गया। अब इसमें मैं दाल ऐड करूँगी, दाल पालक जो मैं उबाल के रखी हूँ वो। देखिए गाइस हमारा, ये देखिए हमारा दाल तड़का। अब इसमें तड़का लगाना बाकी है, और लाल मिर्च से मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। मैं एक ये क्या बोलते हैं इसे, डब्बू हम लोग बोलते हैं, इसे मैं गरम कर रही हूँ गैस पे। अब इसमें तेल डालूंगी,
ये देखिए हम इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये हमारा लाल मिर्च पक गया अच्छी तरह से। अब हम इसमें लाल पाउडर डालेंगे और ये हमारा तड़का। ये हमारा है दाल तड़का गाइज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हमारा दाल तड़का परफेक्ट बना है ढाबा स्टाइल में। ये देखिए हेलो गाइज, ये हमारा दाल तड़का और इधर मैं चावल बना रही हूँ और इधर मैं रोटी रखी हूँ मटके के ऊपर। ये हमारा रोटी है, आज का हमारा खाना यही है। इधर बहुत गर्मी किया है गाइस, पता नहीं कब इधर बारिश होगा। हर जगह बारिश हो रहा है, इधर ही नहीं हो रहा है बारिश। और अभी तक मेरे घर में तो कोई नहीं आए। मधु आरुष दोनों स्विमिंग क्लास गए, इसके पापा लेके गए हैं। और आज बुधवार भी है तो आज सब्जी मतलब कि मार्केट भी जाएंगे, सब्जी बाज़ार और सब्जी भी लेके आएंगे। तो सब्जी भी रखना है सब फ्रिज में, खाना वो लोग आएंगे तो खाना देना पड़ेगा खाने को, फिर घर का सब साफ सफाई। तो बने रहे मेरे वीडियो में। हेलो गाइस, ये देखिए हमारा सब्जी, मैं सब्जी रख रही हूँ और इधर मेरी मधु कितना मस्त ऑमलेट बना रही है। देखिए मस्त बना ये वाला ना, छोड़ 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 छोड़, पकने नहीं है, पका नहीं है तो कैसे उल्टेगा। छोड़ मैं उल्टा लूँगी, तू उल्ट जा, एक कड़ी लेके जा। मेरी मधु मस्त ऑमलेट बनाती है। गरम होगा कपड़े ले लें, वो रुमाल ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा खाना, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो बने रहे मेरे वीडियो में, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। ये ऑमलेट है मेरे आरुष के लिए, बनाइए मधु।